अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जनाब आप सब के। वेलकम बैक टू माय टुडेज वीडियो। गेस आज मैं एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगी हूँ। यस, ये है मिस रोज़ की बीबी क्रीम परफेक्ट कवर। हो कैसी मेरी आवाज़ निकल रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा ही कुछ मैं शौकी हो रही हूँ वॉइस ओवर करने की बजाय ना मेरे आपके साथ गप्पे लगाने को दिल कर रहा है, बट नहीं, हम करेंगे अच्छा से एक रिव्यू इस फाउंडेशन का, इस बीबी क्रीम का। मिस रोज़ का कोई भी फाउंडेशन मेरे हाथों से नहीं बच सकता और ये रिसेंटली मैंने न्यू देखी है और अभी तक ना मैंने किसी ब्लॉगर का इस पर रिव्यू नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, बट मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत प्रिटी लगी थी, कुछ इस तरह से है। शेड कलर भी बहुत प्रिटी है। इस कलर का ना वैसे जो ड्रेस हो सकता है मस्टर्ड है और साथ में स्किन कलर है, कितना प्यारा शेड लग रहा है। लेकिन हमने इसके कलर्स पे नहीं जाना, इसके अंदर जो इन्होंने मालगोदाम भरा हुआ है हमने उस पर बात करनी है कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो फटाफट से पहले एप्लीकेशन देख लो आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्किन का अपनी तरफ से तो बड़ा सी टी एम कर लिया लेकिन कट्टा उसका असर नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्ट कर रहा था। 10 डेज तकरीबन मैंने सही तरह से धोया भी नहीं है और कोई केयर भी नहीं की। तो यहाँ पर ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कितनी दफ़ा बोलूँगी मैं यहाँ पर पता नहीं। अच्छा, ये ना उन दिनों की ये मैंने शूट किया था, उन दिनों में जब मैं अपनी अम्मी के पास हॉस्पिटल में थी, बस एक दिन के जब घर आई थी ना तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने फटाफट का एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन सैडली वो अब जो कोई 2 हफ्ते बाद जाकर मैं एडिट करके आपके साथ लगा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने अपने साइड्स पर लगाया है और वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया ही था कि मेरे स्किन में ना छोटे छोटे बम्स मुझे नज़र आने स्टार्ट हो गए। मेरी आईज़ के नीचे वाले एरिया पे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। बाकी इस फाउंडेशन का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा थिक था इसमें क्योंकि फाउंडेशन पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने कोई करेक्टर नहीं लगाया। डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ कि मेरे स्किन पर जितनी डिस्कलरेशन एक्नी मार्क्स थे ना, यहाँ पर डिस्कलरेशन तो नहीं है लेकिन निशान छोड़ गए मैं दाने अपने, तो उसका सारे कवर हो गए काफ़ी हद तक ना। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बीबी क्रीम्स तो लाइट वेट होती हैं लेकिन मिस रोज़ ने इस बीबी क्रीम आज ना सारे ज़माने के उल्टे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहे हैं, बीबी क्रीम को कोई हुदा ब्यूटी का ड्यूब बनाया है। इतना कोई थिक इसका टेक्सचर है, इतना ज़्यादा, और ना ये लिटरली फील होती है, हैवी है इसका टेक्सचर, हैवी है आप लोग ऐसे कह सकते हो, मतलब स्किन पे अच्छी खासी फील होती है। शायद इस वजह से ये केकी लग रही थी, स्किन में मेरे जज्ब नहीं हो रही थी, लाइट वेट नहीं थी ना, कुछ मेरा स्किन नहीं माशाल्लाह से ठीक नहीं था। आप लोगों को इवन कैमरे पर भी मेरे स्किन का टेक्सचर बहुत गंदा सा वाला दिख रहा होगा ना। तो मैंने ये वाला वीडियो बनाने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूं कि जब हम स्किन केयर नहीं करते तो साड़ा कोई फाउंडेशन मूथे तो नहीं बैठेगा। तो मतलब ये है कि अपनी क्लिनजिंग करो, टोनर करो, पूरी वीडियो का सत्यानाश हो जाना, मेरे से नहीं बोला जा रहा, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर बाद वॉइस ओवर करना चाहिए। या गहरे गहरे सांस लिए मैंने, जैनब फोकस 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 वीडियो पे वॉइस ओवर फोकस करूँ, बट पता नहीं लफ्ज़ साथ ही नहीं दे रहे, लफ्ज़ मुँह से आधे पचादे निकल रहे हैं, गलत मलत हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना हाईलाइट करने के लिए मैंने अगेन थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है तो यहाँ पर मैं इसका बहुत ही क्लोज दिखा रही हूँ, इतना गंदा लग रहा है मेरे मुँह पर ये फाउंडेशन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुई। पहली गलती मेरी अपनी होगी, दूसरी मुझे इसका टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा था। खैर, हम इसको कभी ना दोबारा मैं अपना स्किन केयर करके ना फिर से इसको ट्राई करके देख लूँगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीबी क्रीम हुदा ब्यूटी का ड्यूब क्यों है। मिस रोज़ ने इस वाले को बनाते वक्त, बीबी क्रीम स्पेशली बनाते वक्त क्यों इसमें इतना थिक वाला ना फार्मूला ठूस दिया, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो अभी तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही। पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, मुझे लगा था कि एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको फेस पाउडर से सिंगल सेट किया और आप देखो लाइन्स नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे फेक स्किन लग रही है, मेरी स्किन लग ही नहीं रही। और इससे थोड़े दिन पहले जो मैंने मिस रोज़ का एक दूसरे फाउंडेशन का रिव्यू डाला था, इसी जगह पे खड़े होकर इसी लाइटनिंग में मैंने बनाया था और आप लोगों ने रियल में मेरी स्किन देखी थी कितनी खूबसूरत लग रही थी। ये देखो मेरे माथे पे बकायदा लाइंस हैं, कैमरे पे नहीं आ रही लेकिन वो रियल में इतनी बिल्कुल बहुत बुरी लग रही थी। तो ना जी ना 0 नंबर दे रही हूँ मैं इस फाउंडेशन को और एक ट्राई और फिर भी कर लूँगी, फिर भी कभी बता दूँगी, बट इस तरह की पैकेजिंग में कभी धोखा ना खाना। अगर कोई ब्लॉगर आपको रेकमेंड करेगा मत ख़रीदना क्योंकि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरी आंखों के नीचे आप इसकी लाइंस देख सकते हो, अजीब से ना दाने दाने से उभर कर आ रहे थे स्किन पर, पता नहीं क्या था, मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी ये ना इसका रिजल्ट्स। कई गलती मेरी भी है, कई फाउंडेशन बनाने में भी इसकी गलती है यार, इतनी भी बात नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा इसमें अच्छा काम कर सकते थे बट नहीं
किया ना। तो खैर ये मैंने आपको एप्लीकेशन करके दिखाई है। अभी ये मैं काफ़ी दूर हूँ कैमरे से, तो दूर पे अच्छा लग रहा था, लेकिन आपको पता है रियल में मेकअप, रियल में फाउंडेशन वही अच्छा लगता है कि कोई दूसरा भी रियल में जब आपको देखे ना तो वो दिल में के है। एने तो कुछ लाया ही नहीं, रियल ब्यूटी है वाह वाह, बट उसको जब लाइन्स नज़र आएंगी, टेक्स्चर नज़र आएगा, उसको पता लगेगा अच्छा कोई सस्ती मस्ती है, कोई गंदी सी चीज़ उठा के मुँह पर लगाई हुई है। सस्ती का हम सस्ती को डिग्रेड नहीं करें, सस्ती चीज़ भी अच्छी हो सकती है, जैसे मिस्टर उसके बाकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो बात है। इसलिए मैंने आपको देखो, मैं इसको पे थोड़ा सा टेक्सचर दिखा रही हूँ, लिटरली क्रीमी थिक हैवी टेक्सचर है ना, लेकिन ये स्किन पे अच्छे से नहीं बैठ पा रहा। बाकी इसके लाइट वेट जो सिल्क फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। एक दूसरा जो शीशे वाली बोतल वाला थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया ना, वो भी बहुत अच्छा करती है। ये देखो बकायदा हाथ पर एक हैवीनेस ना, हाथ पे मैं अपनी फिंगर के साथ इसको ब्लेंड करी ना तो ऐसे चिप चिप थिक थिक, मतलब ब्लेंड ही नहीं ना हो रहा, इस तरह से फीलिंग आ रही है। तो ये तो था मेरा इसका रिव्यू। बाकी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ये रिव्यू इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कभी इसका एक्सपीरियंस रहा है तो कैसा रहा है। और भी मैं मज़ीद हेल्पफुल अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का, फाउंडेशंस का रिव्यू करती रहूँगी। और इसमें शेड मेरे पास आइवरी 6 है, ऑलमोस्ट शेड तो सही है मेरे स्किन से, बट ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा ना, तो इसलिए मैंने इसका ऑनेस्ट रिव्यू किया है ताकि आप लोगों के पैसे वेस्ट होने से बच जाएँ। पैसे थोड़े वेस्ट हों या ज़्यादा वेस्ट हों, दुख भाई सब बराबर होता है, बड़े हलाल के पैसे होते हैं, बड़ी कमर तोड़ के पैसे कमाए जाते हैं। मैं जाके दूसरे शीशे में यहाँ पर अपने बूथा शरीफ देख रही हूँ जो अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल ये था मेरा आज का रिव्यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी आप इस तरह के जो है फाउंडेशंस का रिव्यू चाहते हो, प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहते हो, दराज शॉपिंग हॉल्स चाहते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, और मेकअप चैनल ज़ैनब नुमान को ज़रूर फॉलो करना। बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़।